चैनल। आज हम बनाएंगे एक सॉफ्ट बॉक्स। उसके लिए फेविकिक लगेगा, पेन, बटर पेपर। बटर पेपर या कोई भी ऐसा पेपर जो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, स्टार पर लाइट जाए। और ये दो कार्डबोर्ड की गोल शीट आप काट ले, एक ही का काम होगा। अगर खराब होगी तो एक्स्ट्रा के लिए रख लेना। एक ही काटना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, ये मैंने पट्टी काटी है कार्डबोर्ड की। इसको मैंने जहाँ पे यू शेप का रहता है वहाँ पे मैंने कट किया है सीजर से। और ये ऐसे आसानी से झुक सकता है। ऐसा होगा तो नहीं झुक सकेगा, ये कार्डबोर्ड पर ऐसा हो जाएगा। पर ऐसे होगा तो अच्छे से झुकेगा। और ये दो लाइट्स भी लिए हैं मैंने। ये आपको 5-5 रुपए की किसी भी स्टोर में मिल जाएगी। अब इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे फेविकिक से। फ्रेंड्स, मैंने ये फेविकिक से जोड़ लिया है। मैंने सिर्फ ये वाले सिर्फ टिप्स जोड़े हैं। अब जो बाकी का किनारे है उसे अब हम जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग कर देते हैं। सो फटाफट से प्लस को प्लस और माइनस को माइनस लगा देते हैं। ये मेरा राउंड चिपका है फ्रेंड्स, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। अब इसे ऐसा चिपका देते हैं। अब ये चिपक गया है फ्रेंड्स। अब इसे ऐसा वायरिंग कर देते हैं। तो फटाफट से फ्रेंड्स मैं वायरिंग कर देता हूँ। और ये लो फ्रेंड्स, ये इसकी वायरिंग होगी। ये प्लस है और ये माइनस है। इन वायर्स का कुछ काम नहीं क्योंकि हमने यहाँ से जोड़ दिया। इसको दो साइड से वायर रहते हैं फ्रेंड्स, इसको दो साइड से वायर रहते हैं फ्रेंड्स। अब इन वायर को हम इस वायर से जोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉट लगा दी है फ्रेंड्स। अब इस होल से इन दोनों वायर को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, से बाहर निकल गया। अब इसको इन वायर से जोड़ते हैं। जिस पर लाइन है वो माइनस और जिस पर लाइन नहीं है वो प्लस पॉइंट होगा। मैंने वायरिंग कर दी है फ्रेंड्स। अब इसे फेविकिक से चिपका देते हैं।
फ्रेंड्स से चिपक गया है, अब इधर भी चिपका दीजिए, फ्रेंड चिपका जाने का है। मेरा फ्रेंड खत्म हो गया है फ्रेंड, अब मैं दूसरा ले रहा हूँ। ये बोर्ड सिर्फ मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि इस टेबल पर फेरी किक नहीं गिरना था, इसलिए इसका कोई काम नहीं है फ्रेंड। फ्रेंड्स ये अब बन गया है, चलो अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, इसके वायर निकल लेते हैं। फ्रेंड्स इसके वायर के जो पॉइंट्स है इस पर फेविक नहीं डालना क्योंकि वो चलेगा नहीं फिर। चलो अब इसकी टेस्टिंग करेंगे, पहले इसे ऐसा लगाएंगे, तो मैं पेन से मार्क कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं पेन ले रहा हूँ और इसकी वजह से दूर से मारती हूँ। ये मार्किंग मैं कट कर लूंगा फ्रेंड्स, ये जो मार्किंग है ये मैं कट कर लूंगा और आपको इससे जरा सी ज्यादा लेनी है, देख लीजिए। और इससे लाइट पास होता है फ्रेंड्स, तो मैं पहले इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलो फ्रेंड्स टेस्टिंग पर आते हैं। ये मैं 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने बाजू की लाइट्स बंद कर दी है। ये मैं 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ, आपको 12 वोल्ट का कोई भी अडेप्टर लाके उसे लगा दे के हो गया काम। और फ्रेंड्स वो अडेप्टर सिर्फ 20 या 30 रुपए का रहता है, आप देख सकते हैं अब इसकी रोशनी ये पूरे रूम को उजाला कर देता है फ्रेंड्स। इस पर ये बटर पेपर रख देते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स हमारा सॉफ्ट बॉक्स बनेगा, इसको लगाने के बाद ये और भी अच्छा दिखेगा, आप देख सकते हैं। अब मैं सारे लाइट्स बंद कर देता हूँ, अभी भी एक लाइट चालू ही है, तो अब मैं सारे लाइट बंद कर देता हूँ। चलो फ्रेंड्स सारे लाइट ऑफ है, अब हम चेक करेंगे इसकी रोशनी, आप देख सकते हैं इसकी रोशनी बहुत हो गई है फ्रेंड्स। इसके वायर अच्छे से जुड़ने पड़ेंगे, इसकी रोशनी आप मोबाइल पे नहीं दिखेगी। देखिए फ्रेंड्स जब मेरी लाइट्स चालू थे तब जैसा दिखता था वैसा दिख रहा है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसे बंद कर देता हूँ, पूरा काला हो गया। तो देख सकते हैं आप ये हमारा, और इस पर हम एक बटर पेपर रख देंगे जिससे ये निशान पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपने तो टेस्टिंग देखी ली होगी, चलो अब ये इसे चिपकाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक ट्रांसपेरेंट पेपर लिया है, उसी के साथ एक बटर पेपर भी आया है, तो हम बटर पेपर का अलग नहीं करेंगे और सीधा इसे ऐसा रख के मार्क करके काट लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट से काट लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस पे मेरा लाइट रखकर इसे इसको मार्क कर लिया है, तो चलो इसकी कटिंग करते हैं, मैं फटाफट से कट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसे काट लिया है, मैंने इसके चारों ओर टेप लगा दिया है।
अभी मैं इसे ऐसे चिपकाऊंगा, तो मैं इसे फटाफट से चिपका लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसके कॉर्नर को ऐसे छोटे छोटे पीसेस लगाए हैं, फेविक से ही लगाए हैं, मैंने कुछ भी और चीज से नहीं लगाया है। हम इतनी मेहनत करते हैं, आप हमें एक लाइक भी नहीं देते। एक लाइक तो बनता है। मैंने जो टेप चिपकाया था ना फ्रेंड्स, उसे हम फेविक लगाएंगे ताकि हमारा पेपर ना खराब हो। फ्रेंड्स, हम फटाफट चिपका, तो फ्रेंड्स हमने ये चिपका लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो वो छोटे छोटे पीसेस लगाए थे कार्डबोर्ड के, उसके ऊपर मैंने फेविक लगा दिया है। अब इसे फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट शीट भी लगाई थी, आप देख सकते हैं ये चमक रहा है ऊपर से। और अगर ट्रांसपेरेंट शीट नहीं होगी फ्रेंड्स, तो ये बटर पेपर फट जाएगा। आप किसी प्लास्टिक को भी लगा सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट शीट 5-10 रुपए में मिल जाती है, आप कहीं से भी सस्ते में खरीद सकते हैं। तो मैं इसे वायर कनेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये किसी भी वोल्ट पर चल सकता है, पर 12 वोल्ट होंगे तो इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत चमक रहा है, इसकी वजह से मोबाइल। आप देख सकते हैं ये मेरी सीजर है, मैं इस लाइट को ऐसे रखता हूँ, सीजर ऐसी दिख रही है, सीधी सादी दिख रही है, और लाइट लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी दिख रही है, ये पूरा ब्राइट हो रहा है फ्रेंड्स। और ये स्पॉटलाइट आ रहा है फ्रेंड्स, तो हम इसे कम वोल्ट देंगे, फिर इसकी वजह से स्पॉटलाइट नहीं आएगा। मैं इसे अब 9 वोल्ट दूंगा, इसकी ब्राइटनेस कम हो गई फ्रेंड्स, पर आप देख सकते हैं ये अच्छा चल रहा है फिर भी। और मैं फिर से इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत धांसू लुक देता है। चलो मैं इसे बंद करता हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्लैक के ऊपर व्हाइट बहुत अच्छा लुक देता है, और ये आपका बन जाता है सिर्फ 20 रुपए में। 10 या 5 रुपए के लाइटर होते हैं फ्रेंड्स, और ये शीट आपको 5 रुपए की ही मिल जाएगी, या फिर आप फ्री में कर सकते हैं प्लास्टिक लगा। तो इसके छोटे से वायर हैं फ्रेंड्स, और इसे इसके पीछे कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ ये 2 लाइट्स है। फ्रेंड्स, इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आप नए हो चैनल पे तो एक सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल को लाइक भी कर देना, और आने वाली हर वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे जो भी वीडियो आएंगे उसकी ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं उसे आपके लिए बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में पहले रिंग लाइट बनाऊंगा। ये मेरा छोटा सॉफ्ट बॉक्स है, और आने वाली वीडियोस और भी अच्छी होंगी, क्योंकि मैं ये सॉफ्ट बॉक्स यूज करने वाला हूँ अपने वीडियो में। और इसके और फ्रेंड्स, मैं इसका गिव अवे भी कर रहा हूँ, मैं अपने लिए
और एक बना रहा हूँ और ये आपके लिए एक गिवअवे। जब मेरे 150 सब्सक्राइबर्स एंड 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इसे भेज दूँगा।